लॉकडाउन के बाद जहां कल पूरे देवास को कर्फ्यू की दृष्टि से पूर्णतः बंद करने के कलेक्टर ने आदेश दिए हैं, वहीं दूसरी ओर कलेक्टर एसपी ने साइकिल से निकलकर लोगों को जागरूक करने के लिए एकल प्रणाली के निकलने का संदेश दिया है। खातेकार सादिक खान की रिपोर्ट। लोगों पर निकले हैं ताकि पूरे देवास के नागरिकों के लिए यह स्पष्ट संदेश जाए कि कल किसी भी तरह के वाहन की हमने अनुमति नहीं दी है, बल्कि आज जैसे ही आदेश जारी होगा उसके बाद से कोई भी नागरिक घरों से नहीं निकलेगा और हमने राशन की और दवाइयों की दुकानें खुली रखी हैं। खुली इसलिए रखी है ताकि हम होम डिलीवरी करा सकें। कोई भी व्यक्ति केवल दवा लेने के लिए एक व्यक्ति पैदल या साइकिल से आ सकता है। तो साइकिल से दूध लेने के लिए हम लोग आए और दवाइयों की दुकान पर आए, उसके पीछे मंशा इसी संदेश को देने की है कि सभी नागरिक इसे समझें और बहुत आवश्यक होने पर केवल दवाइयों के लिए या तो पैदल आए या साइकिल पर। सर, मीडिया के लिए क्या रहेगा, जैसे टू व्हीलर बंद कर दी है उसने? सभी तरह के दो पहिए वाहन और चार पहिए वाहन हमने प्रतिबंधित किए हैं और उसमें आदेश में यह गुंजाइश रखी है कि जिन्हें हम अनुमति देंगे वो केवल बाइक से आ सकेंगे। काइंडली स्टे एट होम, घर पे रहिए और घर पे, घर से बाहर आपको निकलना है दवाई के लिए, दूध के लिए, तो अभी जैसे हम और कलेक्टर साहब आपको दिखा रहे हैं, साइकिल पे आए या पैदल आए और जैसे ये सर्कल्स बनाए हैं, जैसे मैं और कलेक्टर साहब खड़े थे वैसे खड़े रहे। आपसे पुनः अनुरोध है, प्लीज स्टे एट होम। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।